अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राना बर्ड्स डॉग पिंडी और रिंग नेक ब्रीडिंग टिप्स में खुश आमदीद कहते हैं आपको। फ्रेंड्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं कि कुछ ब्रीडिंग टिप्स आप लोगों को बतानी है। और ब्रीडिंग टिप्स में आज का जो टॉपिक है वो ज़रा छोटे बर्ड्स के ऊपर है कि बहुत सारे लोग अक्सर मुझे इनबॉक्स आके व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि जी लवर और ये जो बजरीज कुछ लोगों ने रखे होते हैं, ठीक है, कहते हैं कि इनकी ब्रीडिंग टिप्स भी है। आज जो है वो हम लवर्स के ऊपर और रिंग ये जो छोटे बर्ड्स होते हैं ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, जिनको हम बजरी गर्ल्स भी कहते हैं, तो उनके ऊपर आज बात करते हैं और इनकी ब्रीडिंग टिप्स आपको बताते हैं। जिन लोगों ने जो बजरी गर्ल्स रखे हुए हैं, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग टिप्स तो कोई इतनी खास नहीं होती। उनमें यह होता है कि बस आप उनको दाना डालते रहें और वाइटामिन आप उनको डालते रहें, पानी डालते रहें, तो वो माहौल अच्छा दे, वो अच्छी ब्रीड करते हैं। बस ये एक चीज़ तो आप लोगों ने ख्याल करना होता है कि जी प्राइवेसी बर्ड्स को होनी चाहिए और छोटे केज में ज़्यादा बर्ड्स नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े केज में एक आधा पेड़ नहीं होना चाहिए, एक बर्ड ऐसी जगह पर नहीं होने चाहिए जहाँ पर चूहे या बिल्ली या कुत्ते की आवाज़ जाए या चूहा वहाँ पर मूव करके जो है वो आ सके, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है कि जी साफ फूड का जो है वो साफ़ फूड आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। आपने बर्ड्स को जो है वो एग ब्रेड देना होता है, ठीक है, गंदम आप लोग भिगो के दे सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है उनको ये मिक्स दाने भी दे सकते हैं अपने बर्ड्स को, ठीक है। तो बजरी गर्ल्स से ब्रीड लेना फ्रेंड्स कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ये बहुत आसान होता है। मतलब आप कुछ भी ना डालें, खाली बाजरा भी उनको देते रहें कि जब उनकी एज तकरीबन 5 से 6 महीने पूरी हो जाए तो उन वो जो है तब भी ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके लिए कोई इतना मेहनत करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती। बाकी ये जो लव बर्ड्स हैं, ठीक है, इनका भी यही सेम सीन है। अच्छा, बजरी गर्ल्स के मैं आपको केज का साइज़ बता दूँ कि कितना केज होना चाहिए। तो उनका जो है वो अगर एक पेयर की आप बात करें तो 1 by 1 भी जो है वो पेयर जो है वो 1 by 1 केज, मतलब 1 फुट का केज भी उसके लिए एक पेयर के लिए चल सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करें कि लवर्स की, तो लवर्स में जो है वो आपको 2 by 2 कम अज़ कम जो है वो केज उसका होना चाहिए लाजमी, ठीक है। और 2 by 2 केज के अलावा आप जो है उनको ये लवर्स जो है ये दाले बहुत अच्छे शौक से खाते हैं, ठीक है, आप इनको दूध वगैरह दें, दाले भी धो के दें, ठीक है, सर्दियों में उबाल के दें आप। और ये आप लोग कुछ देख रहे होंगे कि मैं जो है आज क्या कर रहा हूँ, तो मैं जो है साथ साथ अपना भी काम ख़त्म करता जा रहा हूँ कि मैंने आज अपने बर्ड्स को जो चीज़ देनी है वो सेब पड़े हुए हैं, ठीक है, साथ ये कुछ लुगाड़ पड़े हुए हैं, ये मैंने इस तरीके से उतार के इनको एक पेयर को दो दी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है ये बहुत सस्ते हैं, तो ये भी इसी सीज़न में सीजनल फ्रूट्स बर्ड्स को लाजमी देना चाहिए। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है वो डेली अपने बर्ड्स को सीजनल फ्रूट्स दूँ ताकि उनकी सेहत पे जो है वो कम्प्रोमाइज़ नहीं। देखिए, हम अच्छा बर्ड को खिलाई पिलाएँगे, अच्छा तैयार करेंगे तो ब्रीड भी आगे जो है वो अच्छी आएगी। तो मैं आज 2 किस्म के फ्रूट अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ, ठीक है, एक लुकास है और दूसरी जो चीज़ है वो सेब है, ठीक है। तो वापस आते हैं फ्रेंड्स टॉपिक की तरफ कि ये जो छोटे बर्ड्स जो हैं इनको बेसिकली आप लोग, हाँ ये एक और जो है ये बीच में आड़ू भी हैं कुछ, तो आज जो है हम वो आड़ू भी हम लोग काट लेते हैं इनको, ठीक है, इस तरीके से टक लगा देते हैं इसको, थोड़ा सा और सेब इसको रख देते हैं, ठीक है, ये हम इस तरीके से ले। तो आप लोगों ने करना क्या जी कि बर्ड्स को अच्छी केयर करनी है उनकी, ठीक है, प्राइवेसी उनको देनी है। ये नहीं कि ब्रीडिंग सीज़न में आप जाके और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप अपने बर्ड्स को चेक करेंगे कि इन्होंने अंडे दिए या नहीं और बच्चे निकले हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर जब वो पेयर्स जो हैं वो ब्रीड पर आ जाते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, जब बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाएँ तो वो ब्रीड की तरफ नहीं आते बल्कि ब्रीड ख़राब कर देते हैं या डर की वजह से वो अंडे ले करना छोड़ देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे पेयर्स ने अंडे दिए हैं और अंडे देने के बाद जो कुछ दिन उनको इनक्यूबेट किया है और उसके बाद उठ गए। अब वो उठने की वजह क्या होती है, उठने की वजह यही होती है कि आप लोग जाल के जो है बर्ड्स को बार बार छेड़ते हैं, उनके अंडों को देखते हैं। आपको जिस दिन पता चल जाए कि जी बर्ड्स ने एग ले कर दिए हुए हैं, आप लोग क्या करें कि जी ठीक
21 से 22 दिन के बाद अपने बर्ड्स को देखें, ठीक है। जिस दिन बर्ड्स एग्ले कर दें उसके ठीक 21 से 22 दिन के बाद देखें कि जी आया इसमें कोई चीज़ निकली है या नहीं, या अगर जिन लोगों को एक्सपीरियंस है जो लोग कैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है, कैंडलिंग अपने बर्ड्स की कर सकते हैं, वो क्या करें कि 15 दिन के बाद या जिस दिन आखिरी अंडा बर्ड ले कर दे, ठीक है, सॉरी जिस दिन पहला अंडा ले करे, ठीक है, और उसके ठीक जो है 10 से 12 दिन के बाद आप जो है वो कैंडलिंग करना शुरू कर दें, ठीक है, तकरीबन एक आधी दफ़ा कैंडलिंग कर लें। अगर आपको लगे कि उनमें रेड लाइंस हैं, कुछ बना हुआ है, तो फिर जो है वो आप उसको मतलब के पड़े रहने दें। और अगर आपको लगे कि जी एग्स अनफर्टाइल हैं तो 2-4 दिन और वेट करें, जल्दबाजी इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी होती, ठीक है, 2-4 दिन और वेट करें, और वेट करने के बाद आप जो है उसको दोबारा कैंडलिंग करें। अगर फिर भी लगे आपको अनफर्टाइल है तो उठा के फेंक दें, और अगर आपको लगे कि जी ये अब फर्टाइल है तो आप इंतज़ार करें ब्रीड आने का, ठीक है। जब ब्रीड आ जाए तो आप बर्ड्स को जो है वो अच्छी खुराक दें, सॉफ्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा दें। कॉकटेल की बात करें तो कॉकटेल जो है वो अक्सर यही प्रॉब्लम आती है कि अपने बच्चों को जो है वो मार देता है, उसकी वजह यही होती है कि कॉकटेल जो है अपने बच्चों को वो सॉफ्ट फूड के ऊपर पालता है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, कॉकटेल को सॉफ्ट फूड जो है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा देना है जब उनके चिक्स निकल जाएँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी एक चीज़ और आप लोगों को बताता चलूँ कि कॉकटेल जो है वो गर्मी में बहुत अच्छा ब्रीड करता है, आप इनसे सिर्फ जून और जुलाई, ठीक है, ये 2 महीने ब्रीड ना लें, उसके बाद आप जो है बाकी के 10 महीने आप जो है कॉकटेल से ब्रीड ले सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि जी उन्होंने ना बॉक्स लगाए हैं, ना कुजा लगाया, ना डब्बा लगाया, लेकिन फिर भी उनके बर्ड्स क्रॉस कर रहे हैं, लव बर्ड में अक्सर हो गया, कॉकटेल में हो गया, तो वो क्या मसला है, और या ब्रीड से फारिग हुए हैं तो बॉक्सेज उतार दिए लेकिन बर्ड्स जो हैं वो फिर भी ब्रीड करते मतलब कि क्रॉस करते जा रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, बर्ड्स जो हैं वो उसी तरह अगर आप पेयरिंग अपनी तोड़ सकते हैं कि मतलब के किसी फ्लाइंग केज में अगर आप अपने बर्ड्स को छोड़ सकते हैं तो उनको वहाँ पे मेल्स और फीमेल्स को अलहदा कर दें, अगर नहीं कर सकते तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बर्ड्स जो हैं वो क्रॉस करते रहते हैं, मगर वो एग ले नहीं करेंगे, एग ले वो तभी करेंगे और ब्रीड वो अच्छे तरीके से तभी करेंगे जब उनको कहीं पर एग ले करने की जगह मिलेगी, ठीक है, जब उनको कहीं जगह ही नहीं मिलनी एग ले करने की तो क्रॉस बेशक वो करते रहे लेकिन अंडे वो ले नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि अगर आपके खाने वाले पॉट्स जो हैं अगर वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो बर्ड्स एग ले कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये तकरीबन हमारा आज का जो फ्रूट है ये भी तैयार हो चुका हुआ है, तो छोटे बर्ड्स पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर भी करते हैं, ठीक है, मैं उन लोगों को अप्रिशिएट भी करता हूँ और क्योंकि वो टिप्स पूछते रहते हैं अपने छोटे बर्ड्स के लिए, ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो अगर लव बर्ड्स की बात करें तो आजकल जो है वो लव बर्ड भी जो है वो छोटी मोटी से नहीं रही, लव बर्ड में भी 5-5 लाख का बल्कि 10-10 लाख का जोड़ा आ क्या चुका हुआ बल्कि पहले से ही है। ये मेहनत पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों ने आज से काफ़ी अर्सा पहले मेहनत की हुई है और अपना नाम बनाया है, उसके बाद जाके अगर आज उनकी कोई प्रोडक्ट कोई चीज़ अगर कोई महंगी है तो मैं क्योंकि नवीद शेख साहब को काफ़ी अर्से से जानता हूँ, पिछले काफ़ी अर्से से मैं उनकी वीडियोस वगैरह और उनकी इंफॉर्मेशन मैं देखता रहता हूँ, तो वो बंदा जो है वो आज से नहीं मेहनत कर रहा, ठीक है। हाँ, अगर आपको उनकी किसी बात से इख्तलाफ है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि जी पेयर 5 लाख का नहीं हो सकता या 10 लाख का नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल आप बर्ड्स की हॉबी में आएँ, आप प्रोड्यूस करें, ठीक है, अगर नहीं है तो आप लेके आए, आप बनाएँ। आप लोगों के करीब जो है वो लव बर्ड जो है वो 2025 का रहेगा, लेकिन अगर उनका बिकता है, ठीक है, अगर उनका नाम है, अगर वो खुद ब्रांड है तो वो बेच भी सकते हैं, वो कर भी सकते हैं वो सारा कुछ, और मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से आप किसी को डीमोटिवेट नहीं कर सकते। और जिसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हो, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई हो, हम सब लोगों का काम है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, ठीक है। तो फ्रेंड, दूसरा आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि कल सुबह के लिए मैंने जो है ये मिक्स चने और दालें ये सारी भिगो के रख दी हैं, ठीक है, अभी हम शाम का टाइम है तो उनको फ्रूट डालते हैं और उसके बाद ये चने भिगो के रख दिए हैं। अच्छा, जिस पेयर ने ब्रीड की हुई है उनको ये मिक्स चने और दालें जो है ये डेली देनी है आपने, ठीक है, ये 2-3 ग्रह इनको भी बांट लेते हैं। तो छोटे बर्ड्स में अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी किसी किस्म की ट्रेनिंग हो अगर आपने और या मेरी कोई
बात बीच में मिस हो गई है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अभी आने वाली वीडियोस में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। दूसरा फ्रेंड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में और मेरे इनबॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो डेली की वीडियोस डालता हूँ, मेरा ख्याल है कि अगर मैं इस तरह डेली की वीडियोस डालूँगा तो मेरे पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं बचेगी, इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं जितनी आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर की जाए। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन जो है वो अब कोशिश करूँ कि हफ्ते में एक दिन या दो दिन जो है वो ग्रेडिंग टीम आप लोगों के साथ शेयर की जाए और बाकी के दिन जो है वो रेस्ट किया जाए। ठीक है, तो ये फ्रेंड देख लें कि मैंने तीन लोग आठ ले लिए हैं और एक सेब पूरा जो है वो एक पेयर के हिसाब से। ठीक है, ये पूरा सेब ले लिया और ये तीन से चार लोग आठ हमने अपने बर्ड्स के लिए ले लिए, चार लोग आठ एक पूरा। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने बर्ड्स को जो है वो इस तरह कट करते जाएंगे। ठीक है, बर्ड माशाल्लाह बहुत शौक़ से फ्रूट तो बहुत शौक़ से खाते हैं, फ्रूट्स देने भी चाहिए और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सीजनल फ्रूट्स लाजमी देने चाहिए। उससे ये होता है कि बर्ड की जो हेल्थ होती है वो बहुत अच्छी रहती है। और अब आम का सीज़न आ गया हुआ है, ठीक है, हम बर्ड्स को आम देंगे अपने इसी सीज़न में, ज़रा थोड़े से सस्ते हो जाएं। और लोग कहते हैं कि जी आम तो गर्म होते हैं, तो एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर और बताता चलूँ कि जो चीज़ें गर्म हम गर्मी के मौसम में लेते हैं और उनकी तासीर गर्म होती है, वो जाके नवंबर दिसंबर में जब फुल किस्म की ठंड पड़ती है तो उसमें बड़ा काम करते हैं। आज की गर्म दी हुई चीज़ें इनको सर्दियों में बहुत काम आएंगी। ठीक है, और सर्दियों में दी हुई जो चीज़ें हैं वो इनको गर्मियों में काम आती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा दाना भी डाल दूँ, क्योंकि जब मैंने इनको दाना डाल, मैंने तकरीबन इनको 10 दिन हो गए मैंने दाना नहीं डाला, दाना डाला था उसके बाद मैं फ्रूट्स सब्जियाँ और ये मिक्स दाने जो है ये भी डेली देता जा रहा हूँ और माशाल्लाह इसी पे वो बर्ड्स खुश हैं और खा पी के इस तरह ख़त्म करते थे कि आपकी सोच है। मैं एक आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखें कि जब ये मैं मिक्स दाने इनको डालता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये देखें ऊपर वाले छिलके बचते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे चने मिक्स दाले जो हैं जितनी भी हैं ये बहुत अच्छे से बहुत सुकून से खा लेते हैं, तो मतलब कि बिल्कुल भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। आप कोशिश करें कि बर्ड्स को जो है वो कम से कम चीज़ डालें। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा बार बार के डालना शुरू कर देंगे तो तब भी बर्ड्स जो है वो आधा खाएगा और आधा ख़राब करेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जी बर्ड्स को उतनी चीज़ डालें जितनी उनको ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आपका भी नुकसान ना हो और बाकी बर्ड्स की सेहत भी हेल्दी एक्टिव रहे और उनको हमेशा से ताज़ा खाना मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।